लगातार खबरों में हमारे साथ ताबुन किया है कावा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज, फैसल गेट फॉर लॉस एंजेलिस सिटी अटॉर्नी और मियामी वाइस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीटीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बतौर रुकन असम्बली ना अहल करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक शहरी फदुल्ला की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को ना अहल करार देने की दरख्वास्त दायर की गई थी। पाकिस्तान के अमन का दुश्मन एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी मारा गया। तफसीलात के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP का तर्जुमान दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मारा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहर के इंतजामिया को मोनाल को आज ही सील करने और नेवी गोल्फ कोर्स का आज ही कब्जा लेने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरगल्ला हिल्स नेशनल पार्क में तजावजात के खिलाफ केस की समाअत हुई थी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया दे दिया है। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लिखे खत से दस्तबदार हुए। हुकूमत ने अपोजिशन जमातों से मुतालिक अहम फैसला करते हुए कहा है कि फाइनेंस तरमीमी एक्ट पर अपोजिशन अरकान का नुक्ता नजर सुना जाएगा। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव के बाद अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की तादाद में रिकॉर्डेड इजाफा हो गया है। मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत दुबई ने 3 साल मुद्दत के लिए नए वीजे का ऐलान कर दिया, जिसका मकसद मीडिया, तालीम, टेक्नोलॉजी, आर्ट, मार्केटिंग और कंसल्टेंसी के शोबों में आलमी हुनरमंदों और पेशावराना अफराद को रागिब करना है। मुल्क में सोने की फीतोला कीमत में कोई इजाफा या कमी वाकई नहीं हुई। सिनसराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फीतोला कीमत 1,26,200 रुपए पर बरकरार रही है। बरतानवी तहकीकारों ने हालिया तहकीक में इंकशाफ किया है कि आम नजर जुकाम कोरोना वायरस के खिलाफ तहफ्फुज फराहम करता है। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार अदा करने वाली हर्षाली मल्होत्रा को नेशनल अवार्ड से नवाज दिया गया। भारत की लेजेंड गुलुकारा लता मंगेशकर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लता मंगेशकर का कोरोना वायरस का टेस्ट मजबूत आया है। चीनी खलाई गाड़ी ने चांद पर मौजूद पुरुषराज झोपड़ी की हकीकत का पता लगाया। साइंसदानों ने पुरुषराज शहर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में बंगाल टाइगर्स को 117 रन देकर शिकस्त दे दी। फॉलोइंग का शिकार बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में 278 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका नजाद और सेल्वी शहरी ने बुलंदतरीन ऊंचाई से बॉल कैच करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। हेडलाइंस अपने मुलाजे की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Thank you.
शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक शहरी फिदाउल्ला की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नाअहल करार देने की दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ इख्तियार किया था कि इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन के दौरान बयान दिया था कि 16 MNEs फरोख्त हुए। शेख रशीद ने इसकी तस्दीक की और कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मनुल्ला ने दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार को हिदायत की कि अपने हल्के के MNA से कहें कि वो इस मुतालिक पिटीशन दायर करें। बाद में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। पाकिस्तान के अमन का दुश्मन एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद कलासानी मारा गया। तफसीलात के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP का तर्जुमान दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मारा गया। दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान था और इसका असल नाम खालिद बल्ती था। मोहम्मद खरासानी मीर इंशा में दहशतगर्दी का मरकज चला रहा था। ऑपरेशन जरबे अल्फ की कामयाबी के बाद मोहम्मद खरासानी अफगानिस्तान भाग गया था। वो शाहिदुल्ला शाहिद के बाद कलदम TTP का तर्जुमान बना था। मोहम्मद खरासानी मासूम अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। वो TTP के मुख्तलिफ धड़ों को मुत्तहिद करने में मसरूफ था और TTP के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहा था। वाज़ेह है कि TTP दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी ने हाल ही में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयों का इशारा भी दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहर की इंतजामिया को मोनाल को आज ही सील करने और नेवी गोल्फ कोर्स का आज ही कब्जा लेने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरगल्ला हिल्स नेशनल पार्क में तजावजात के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में सेक्रेटरी दाखिला दिफा और चेयरमैन CDA अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मनुल्ला ने सेक्रेटरी दाखिला से मुकालमा किया। जो कुछ हो रहा है वो शॉकिंग है। कोर्ट आपको बुलाकर बताती है, फैसले देती है। इस्लामाबाद में लाकानूनियत है, ये कोर्ट बार बार फैसले दे रही है, आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी 3 आर्म फोर्सेस के सेक्रेटरी बन गए हैं। इन 3 सेक्टर्स की वजह से कोई मसला क्यों हो, आर्म फोर्सेस को किसी सूरत में तनाजा नहीं होना चाहिए, ये मफाद आमा नहीं है। चेयरमैन CDA ने अदालत को बताया कि हुकूमत पंजाब में कुछ जमीनों पर दावा करती है। इस पर अदालत का कहना है कि 1960 के ऑर्डिनेंस के बाद 1400 स्क्वायर मील के एरिया में तमाम जमीन CDA की है। अदालत अपने फैसले में तमाम चीजों की वजाहत करेगी। नेशनल पार्क की जमीन की हदबंदी की निशानदेही कौन करेगा, इस पर चेयरमैन ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निशानदेही करेगा। जस्टिस अथर मनुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आम आदमी को नेशनल पार्क में नहीं घुस सकता, ये अशफिया की वजह से है। चेयरमैन CDA ने अदालत में कहा कि हर इदारे ने कहीं ना कहीं तजावजात रखकर रखी है। इस पर जस्टिस अथर मनुल्ला ने कहा कि हाई कोर्ट ने तो कोई तजावज नहीं किया, अगर ऐसा है तो इधर से शुरू करें। जब इदारे तजावजात से हट जाएंगे तो किसी और की भी हिम्मत नहीं होगी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन ने चेयरमैन नायब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया दे दिया है। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि चेयरमैन नायब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लिखे खत से दस्तबरदार हुए और कहा कि वजीर आजम का नाम गलती से लिया। खत चेयरमैन के इल्म से जारी हुआ है तो इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नायब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए कमेटी से इजाजत लेनी है। खत लिखकर कमेटी को मिसलीड करने की कोशिश की गई है। चेयरमैन PAC का कहना था कि PAC को वजीर आजम नाम पर लिखे गए खत इंक्वायरी कर रहे हैं। वजीर आजम का दफ्तर मुलव्वस है तो इनसे पूछा जाएगा और जिम्मेदारी का तायुन करके कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि तफसील आने के बाद हम वजीर आजम और चेयरमैन नायब को लिखेंगे। चेयरमैन नायब को कमेटी के सामने आना पड़ेगा, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हुकूमत ने अपोजिशन जमातों से मुतालिक अहम फैसले करते हुए कहा है कि फाइनेंस तरमीमी एक्ट पर अपोजिशन अरकान का नुक्ता नजर सुना जाएगा। तफसीलात के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की मुलाकात हुई, जिसमें फैसला किया गया कि फाइनेंस तरमीमी एक्ट पर अपोजिशन अरकान का नुक्ता नजर भी सुना जाएगा। मुलाकात में फाइनेंस बिल समेत कौमी अवामी मफाद की कानून साजी फौरी मुकम्मल करने का भी फैसला किया गया है। ज़रा का कहना है कि पार्लियामेंट की मौजूदा सेशन में अपोजिशन को पूरा मौका दिया जाएगा। हुकूमत अपोजिशन कायदीन को फैसले से आगाह करेगी। दौरान मुलाकात ये भी फैसला किया गया कि ज़ेरे अल्तवा बिल्स मंजूरी के लिए अवाम में पेश किए जाएंगे और फाइनेंस तरमीमी बिल अपोजिशन को इजहार ख्याल का मौका फराहम किया जाएगा, जबकि कमेटियों में ज़ेरे अल्तवा बिल्स की मंजूरी के लिए तरजीह बुनियाद पर इकदाम किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि कौमी असम्बली अवामी मसाइल के हल फलाह बहबूद के लिए आईनी किरदार अदा करेगी। आयन में मतन 130 दिन को पूरा किया जाएगा और कौमी असम्बली अवामी तवक्कात पर पूरा उतरने के लिए किरदार अदा करेगी। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिका
अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव के बाद अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की तादाद में रिकॉर्डेड इजाफा हो गया है। अमेरिका में महकमा सेहत के अहलकारों के मुताबिक गुज़िश्ता इतवार को अस्पतालों में 140,000 से ज्यादा मरीज दाखिल हुए थे और ये तादाद गुज़िश्ता साल की सबसे ज्यादा तादाद है। अमेरिका में अब तक 557,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। दूसरी जानब गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बरतानिया में 142,000 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि इटली में 1,00,000 और फ्रांस में 93,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मारूफ अमरीकी दवा साज कंपनी फाइजर का कहना है कि ओमिक्रॉन से बचाव की वैक्सीन मार्च तक मुतालिफ करा दी जाएगी। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत दुबई ने 3 साल मुद्दत के लिए नए वीजे का ऐलान कर दिया, जिसका मकसद मीडिया, तालीम, टेक्नोलॉजी, आर्ट मॉनिटरिंग और कंसल्टेंसी के शोबों में आलमी हुनरमंदों पर पेशावराना अफराद को रागिब करना है। खलीज टाइम के मुताबिक फ्रीलांस काम करने के लिए टैलेंट पास लाइसेंस का अजरा किया है। नए फ्रीलांस लाइसेंस के साथ 3 साल दुबई वीजा दिया जाएगा। नया लाइसेंस दुनिया भर में खसूसी महारत रखने वाले अफराद के लिए दस्तयाब होगा, जिसका मकसद मीडिया, तालीम, टेक्नोलॉजी, आर्ट मार्केटिंग और कंसल्टेंसी के शोबों में आलमी हुनरमंद और पेशावर अफराद को रागिब करना है। खलीज टाइम के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन्स ने दुबई कल्चर और जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए हैं, ताकि नए इकदाम को आसान बनाया जा सके। ये माहदा लाइसेंसों, वीजों और दीगर खिदमात कार्रवाई के लिए तावुन और हमांगी का फ्रेमवर्क तैयार करता है। लाइसेंस का हामिल शख्स दफ्तरी जगह किराए पर लेने के अलावा 3 साल के रिहायशी वीजा हासिल करने का अहल होगा। सारिफिन के नेटवर्क तक मुकम्मल रसाई हासिल होगी, जिसमें बैन अल-अक़वामी कंपनियों से लेकर कारोबारी अफराद भी शामिल होंगे। फ्री जोन्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म तक रसाई हासिल होगी, जो इन्हें काम, माहदों और खिदमत तक आसान रसाई के लिए सारिफिन से रब्ता करने की इजाजत देता है और इन्हें अपने सारिफिन के इम्कान को बढ़ाने का भी मौका देता है। मजीद के टैलेंट पास की तरफ से पेश करदा लाइसेंसों की रिपोर्ट फ्यू का हिस्सा है। इनमें दरामदाद बरामदाद के लिए मंजर जेल तजारती लाइसेंस शामिल है। याद रहे कि दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन 20 से ज्यादा अहम इतजादी शोबों में 18 से ज्यादा कंपनियों का घर है, जिसमें मल्टी नेशनल कंपनियां 30% से ज्यादा हैं। तवक्का है कि इस इकदाम से फ्री जोन में कारोबारी माहौल को मजीद तकवीत मिलेगी और जिद्दत पसंदों और हुनरमंदों के लिए एक आलमी मंजिल के तौर पर दुबई की पोजीशन मजबूत होगी। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत कोई इजाफा या कमी नहीं हुई। सिनसराफा बाजार जूलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 1,26,200 रुपए पर बरकरार रही। आलमी सराफा में सोने की कदर $2 इजाफे से 1,800 फी डॉलर ऑन्स हो गई है, जबकि मुल्क में सोने की फी तोला कीमत कोई इजाफा या कमी नहीं हुई। सिनसराफा बाजार जूलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 1,26,200 रुपए बरकरार रही है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। बरतानवी तहकीककारों ने हालिया तहकीक में इंकशाफ किया है कि आम नजर जुकाम कोरोना वायरस के खिलाफ तहफ़ फराहम करता है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्पीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की इस तहकीक में इंकशाफ किया गया है कि आम नजर जुकाम के बाद जिस्म में मखसूस मुदाफती खलियात बनते हैं, जो मुस्तकबिल में बीमारी को रोकने में मददगार साबित होते हैं, और यही मुदाफती खलियात कोरोना वायरस से भी तहफ़ फराहम करते हैं। एम्पीरियल कॉलेज लंदन की तहकीक में जिस्म के मुदाफती निज़ाम की एक अहम तरीन हिस्से टी सेल्स पर तवज्जो मरकूज की गई है, जिससे माहिरों को यह अंदाजा हुआ कि एक बार जब नजर जुकाम खत्म हो जाता है तो कुछ टी सेल्स जिस्म में एक मेमोरी बैंक के तौर पर मौजूद रहते हैं और वायरस के अगले हमले से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। इस 18 रोजा तहकीक में बरतानवी मुहक्कीकीन ने 52 अफराद को शामिल किया था जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी और वह कोरोना मुतासिरीन के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। इस दौरान सिर्फ 50% अफराद कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि दीगर 50% बिल्कुल महफूज रहे। कोरोना से महफूज रहने वाले अफराद पर तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि मजकूर अफराद के खून में मखसूस मेमोरी टी सेल्स की तादाद काफी ज्यादा थी। माहरीन का मानना है कि ये टी सेल्स इस वक्त बने होंगे जब वो एक इंसानी कोरोना वायरस से मुतासर हुए, जो आम नजर जुकाम का बायस बनता है। दूसरी जानिब माहरीन सेहत ने इस तहकीक पर इक्तफातन करने को संगीन गलती करार दिया, क्योंकि नजर जुकाम के 10 से 15% केसेस कोरोना वायरस का नतीजा होते हैं, और साथ ही माहरीन सेहत ने इस तहकीक को वैक्सीन के लिए करामत करार दिया है। शामिल करते हैं शोबिज और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार अदा करने वाली हर्षाली मल्होत्रा को नेशनल अवार्ड से नवाज दिया गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 जनवरी 2022 को हर्षाली को फिल्म बजरंगी भाईजान में शानदार अदाकारी करने पर भारत रत्न डॉक्टर अवार्ड रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर ने दिया था। हर्षाली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए सलमान खान और फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान का शुक्रिया अदा किया और अवार्ड दोनों के नाम कर दिया। याद है कि हर्षाली मल्होत्रा ने फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार अदा किया था और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से सबके दिल जीते थे। 2015 में रिलीज होने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान में हर्षाली के अलावा सलमान खान, करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अदाकारी के जौहर दिखाए थे।
भारत की लेजेंड गुलूकारा लता मंगेशकर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लता मंगेशकर का कोरोना वायरस का टेस्ट मस्बित आ गया है, जिसके बाद इन्हें इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 92 साल गुलूकारा में कोरोना वायरस की मुतादिद अलामात मौजूद हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि लता मंगेशकर की हालत के हवाले से कहना है कि इनकी तबीयत अब बेहतर है, तहम इन्हें एहतियाती तौर पर ICU में रखा गया है। वाज़ह रहे कि भारत में कोरोना वायरस और ओमिक्रोन के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इससे कबल कई फनकार मौजूद लहर का शिकार हो चुके हैं, जिनमें शाहिद कपूर, गुलूकार सोनू निगम, अरिजीत सिंह और जाह्नवी कपूर की बहन खुशी कपूर भी शामिल हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। चीनी खलाई गाड़ी ने चांद पर मौजूद पुरस्कार झोपड़ी की हकीकत का पता लगाया। साइंसदानों ने पुरस्कार शहर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सन 2019 से चांद पर मौजूद चीनी खलाई गाड़ी यूटो-2 रोड ने दिसंबर 2020 में चांद के शुमाली हिस्से में पुरस्कार शहर की तस्वीर कैमरे में महफूज की है, जिसे देखकर साइंसदान हैरतजदा रह गए। एक माह की मुसलसल जद्दोजहद और तहकीक के बाद चीनी साइंसदानों ने इस पुरस्कार शहर का राज जान लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चांद पर नजर आने वाले पुरस्कार शहर दरअसल एक बड़ी चट्टान थी, जो दूर से झोपड़ी या घर नुमा नजर आ रहा था। यूटो-2 रोव ने चट्टान की तस्वीर भी अरसाल कर दी है। पहली तस्वीर में बहुत दूर होने की वजह से ये चट्टान ज्यादा बड़ी और ज्यादा पुरस्कार लगी थी, मगर इसके करीब जाने पर रोवर इसकी हकीकत जानने में कामयाब हुआ। चीनी माहिरों ने चट्टान के साफ देखते हुए इसे जेड रैबिट से तशबीह दी है, क्योंकि वो किसी खरगोश की तरह नजर आ रही है। ख्याल रहे कि चीनी खलाई गाड़ियों यूटो-2 रोव चांद के तारीख हिस्से पर उतरने वाली दुनिया की पहली खलाई गाड़ी है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में बंगाल टाइगर्स को 117 रन से शिकस्त दे दी है। फॉलो ऑन का शिकार बांग्लादेश की टीम दूसरे इनिंग्स में 278 रन बनाकर आउट हो गई। मेहमान टीम की जानिब से लिटन दास 102 और कप्तान मोमिनुल हक 37 रन के साथ नुमाया रहे। न्यूजीलैंड की तरफ से केएल जेमिसन ने 4 और नील विंग्स ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि कीवीज ने अपनी पहली इनिंग्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 551 रन स्कोर किए। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 126 और दूसरी इनिंग्स में 278 रन बनाकर आउट हो गई, जिसके बाद कीवीज ने बासानी मैच पर फतह हासिल कर ली। इस तरह दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हो गई। अलावाजी न्यूजीलैंड के कामयाब तरीन बैटर रूस टेलर ने बांग्लादेश के खिलाफ एक आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला। उन्होंने गुज़िश्ता बरस दिसंबर में ऐलान किया था कि वो मौजूदा सीजन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। श्रीलंका नजात ऑस्ट्रेलवी शहरी ने बुलंदतरीन ऊंचाई से बॉल कैच करके नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया है। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक टमोटी शेन नामी शख्स ने 400 फीट से गिराई गई बॉल को पकड़ने का आलमी अजाज अपने नाम कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है ये बुलंदतरीन ऊंचाई से गिरती गेंद को पकड़ने का नया आलमी रिकॉर्ड है। गेंद को तकरीबन 400 फीट बुलंदी से ड्रोन के जरिए नीचे फेंका गया था। टमोटी का कहना है कि उन्होंने ये रिकॉर्ड पहले पहल 2019 में कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे थे। कैच के दौरान उनकी उंगली भी टूट गई थी। ख्याल रहे कि इससे कबल 2019 में बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले क्रिस्टन बोमगार्टन ने ये रिकॉर्ड कायम किया था, जिसमें गेंद को फेंकने जाने की ऊंचाई 374 फीट थी, जबकि शेनन की ऊंचाई 393 फीट थी। और सेल्वी शहरी एजाज हासिल करने पर बेहद खुश हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। इक्वल जस्टिस अंडर law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. सेंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिबिल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सेंटियागो कैनियन कॉलेज अमरीका में दाखिलों की जमानत देता है। सेंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए। आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा जेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।